हेलो एवरीवन, सो टुडे वी गोना स्टार्ट दिस थर्ड यूनिट और उसमें फर्स्ट चैप्टर है लिटिल बाय लिटिल। ठीक है, तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज लिटिल बाय लिटिल एक्चुअली मीन। आपने शब्द सुना होगा लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, बहुत कम। ठीक है, उसी के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छी पोयम है। यहाँ पे आपको एक प्लांट भी दिखाई दे रहा होगा, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप एक पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये लेटा हुआ है। व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, ये क्या चीज़ है? ये एक सीड है। क्या है ये? ये एक सीड है। सीड मतलब एक बीज है। ठीक है, जब हम प्लांट लगाते हैं तो उससे पहले हमें सीड चाहिए होता है। जब वो सीड हम ग्राउंड में लगाते हैं, जब उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद वो प्लांट बनता है धीरे धीरे। ठीक है, उसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, इन सारी चीज़ों के बाद वो एक बड़ा प्लांट बनता है। ठीक है, आपने देखा नीम वाली गिरती है, नीम से हम उसको लगा देते, काफ़ी सारे कुछ चल पाते कुछ नहीं चल पाते। तो उसी के ऊपर एक ये अच्छी खूबसूरत छोटी सी एक पोएम है जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड। अब जो सीड है, जो ये एक सीड है, इसको इसका नाम क्या है, एकॉर्न। इसको हम क्या बोलते हैं, एकॉर्न। ठीक है, ये क्या बोलता है, लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड। सो व्हाट डज मोजी बेड एक्चुअली मीन। मोजी बेड मतलब क्या होता है, ये कह रहे हैं जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो गीली है। ठीक है, उसको हमने क्या बोलते हैं, मोजी बेड। अभी सीड क्या बोलती है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। कि जब मैं ग्राउंड में यहाँ पर हूँ, एक गीली मिट्टी उसमें मेरे को लगा दिया है और धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, हिडन डीप मतलब आप मुझे देख नहीं सकते, बट आई एम ग्रोइंग फ्रॉम द इनसाइड, मैं धरती के अंदर हूँ और जो मैं सीड हूँ वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेली वो ग्रो कर रहा है, ग्रो मतलब बढ़ रहा है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू, आप देखोगे जब सुबह आप देखते हो घास, देखोगे आप कहीं पे भी घास के ऊपर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा पानी डाला, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो ड्यू गिरती है कि मिट्टी पर भी गिरती है, हर जगह गिरती है, लेकिन हमें विजिबल होती है जब हम देखते हैं कि घास पे हम जनरली देख सकते हैं, किसी प्लांट पे हम देख सकते हैं, उसको पानी को मैं पी लेता हूँ। दिस इज़ व्हाट ही सेइंग। ओके, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। अभी क्या कह रहा है, ज़मीन के नीचे मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, ज़मीन के नीचे मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, थ्रेड लाइक अ रूट। ठीक है, एक छोटी सी रूट बढ़ रही है। ठीक है, आप देखोगे ज़मीन के नीचे जो प्लांट की रूट्स रहती हैं, अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, और धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, जो उसकी थोड़ी सी जो प्लांट है वो निकल के बाहर आ रहा है। डे बाय डे, दिन पर दिन, साल बाय साल, ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपेयर। हम कुछ सालों में क्या देखते हैं, ये प्लांट, इससे पत्तियाँ भी आने लगी, लीव्स भी आने लगी, एंड दिस स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। कुछ सालों बाद हम क्या देखते हैं, इस तरह की ब्रांचेस, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस, बड़े बड़े इसके ब्रांचेस, इसकी टहनियाँ निकल के आ गई हैं। ठीक है, जो ये बड़ा पेड़ बन चुका है। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड। अब जो ये हमने सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सीड का नाम क्या था, इसको हम क्या बोल रहे थे, एकॉर्न। अब ये किस में तब्दील हो गया, कुछ सालों बाद ये एक बन गया एक प्लांट जिसका क्या नाम है, ओक। उस प्लांट का नाम क्या है, दैट इज़ ओक, दैट एकॉर्न हैज़ बीन टर्न इन टू ओक। ओके, तो यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं विच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ये आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम इनको देखते हैं। नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोस इन टू, वो कौन सा प्लांट जो एकॉर्न सीड है वो किस प्लांट में बनती है। इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था, इट टर्न्स इन टू ओक। ओके, इट टर्न्स इन टू ओक। ओके, वॉट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, वॉट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। जब हम किसी भी बीज को, किसी सीड को लगाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। ओके, दीज आर द थिंग्स विच प्लांट रिक्वायर। ओके, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। अब हमें कुछ ऐसे शब्द इस पोएम में ढूंढने जो इसको डिस्क्राइब करते हैं, पूरी पोएम को। तो हम कुछ शब्द देख लेते हैं,
वन ऑफ द वर्ड इज़ मोजी, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जिसको डिस्क्राइब करते हैं. एकॉर्न, टाइनी शूट, थ्रेड, थ्रेड लाइक अ रूट, दिस इज थ्रेड लाइक एक वर्ड है, थ्रेड लाइक अ रूट, लीव्स, स्लेंडर ब्रांचेस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच डिफाइन दिस पोएम. ओके,